कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देश की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी आंवला के पदाधिकारियों ने आंवला प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेडिकल और फाइनल ईयर के छात्रों को प्रोन्नत करने की मांग की। इससे पहले भी इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा SDM आंवला को ज्ञापन सौंपा गया था। कोरोना महामारी के चलते जहाँ एक और घर से बाहर निकलना भी दुभर है, ऐसे में फाइनल ईयर के एग्जाम करना खतरे से खाली नहीं है। इस मौके पर शारिक बिन सईद, मुकर्रम अली खान, मेहरबान खान, अमन खान आदि सदस्य मौजूद रहे। मेरा नाम मोहम्मद अमन खान है, मैं DFN ऑफ फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चों को कन्वर्ट करने के डिसीजन लिया है सरकार ने, तो वो किस बेस पे लिया गया? उन्होंने मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को तो मतलब प्रमोट करने का लिया है, तो फाइनल ईयर वालों क्यों नहीं? तो मतलब फाइनल ईयर को जो पेपर कराने का डिसीजन लिया है, तो मतलब उसमें जो फाइनल ईयर का एग्जाम होंगे, तो मतलब उसमें बच्चे संक्रमित नहीं होंगे क्या? तो मैं ये कहता हूँ, मैं KV फार्मेसी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं आगरा का, अगर मैं जाऊँगा आगरा तो मुझे यहाँ से बदायूँ जाना पड़ेगा, बदायूँ से आगरा जाना पड़ेगा। इस बीच में मुझे कोई संक्रमित मिला व्यक्ति, उसके संकट में मैं आया, मतलब संपर्क में आया तो उससे मुझे हुआ, फिर मैं कॉलेज में जाऊंगा, पेपर भी दूंगा, मुझसे संपर्क में आएगा उनको भी होगा, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। जय हिंद। आप लोग COVID-19 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो आप जो प्रमोशन को बोल रहे हैं, उसमें सरकार से आपकी क्या मांग है? जनरल प्रमोशन। मेरा नाम मुकर्रम अली खान है और मैं BTech बायोटेक फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैं ये सरकार से ये जानना चाहता हूँ, जो सरकार ने हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को, सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट करने की जो मांग की है, मतलब प्रमोट किया है, और फाइनल ईयर के बच्चों को प्रमोट नहीं किया है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि फाइनल ईयर के बच्चे अगर एग्ज़ाम देंगे, पहली बात तो हम एग्ज़ाम से देने से नहीं डरते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो इस टाइम का माहौल देखते हैं, जो COVID-19 हमारे पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम इससे, हमें परेशानी होगी, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें हानिकारक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया है, तो वो किस बेस पर किया है? अगर फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं कहूँ, तो फर्स्ट ईयर बच्चों को आपने प्रमोट किया, वो किस बेस पे किया है? मैं फर्स्ट ईयर बच्चों के मतलब विरुद्ध नहीं हूँ, मैं बस एक मेरी सरकार से क्वेश्चन है। मेरा नाम मेहरबान खान है, मैं BMS द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं आगरा विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसा कि एज़ पर UGC गाइडलाइंस और कई सारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि मेडिकल छात्रों और फाइनल के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो जैसा कि गवर्नमेंट ने ये भेदभाव कर दिया है, एक टाइप का गवर्नमेंट ने भेदभाव किया है, लेकिन कोरोना ये भेदभाव नहीं करता है। अगर संक्रमित होंगे तो सारे लोग होंगे उसमें। जब BBS वालों को कोरोना हो सकता है, तो BMS वालों को भी कोरोना हो सकता है। तो इसी के साथ, और सबसे पहले जो हमारा, जैसे कि मैं BMS का छात्र हूँ और आयुर्वेद पढ़ता हूँ, तो आयुर्वेद का सबसे पहला मोटिव है, जो फर्स्ट उद्देश्य है, जो सबसे पहला उद्देश्य है, वो है स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और आज जब स्वास्थ्य की बात आई है, तो मैं सबसे पहले यही चुनना चाहूँगा कि आज मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा करूँ। इस महामारी में एग्ज़ाम बिल्कुल भी कोई चांस पर पॉसिबल नहीं, असंभव है। सोशल वेलफेयर सोसाइटी BMS द्वितीय वर्ष का छात्र, मेरा सवाल सरकार से है कि हमारा जिम्मेदार कौन होगा? मतलब यानी कि हम यहाँ से पेपर देने वहाँ पर जाते हैं, अपने घर से जहाँ पर भी हम जाएंगे पेपर देने, मान लीजिए मेरा कॉलेज अमरोहा में है, वहाँ पर मैं पेपर देने जाऊँगा, वहाँ पर चलिए मान लीजिए आप एग्ज़ाम कराते हैं, वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, वहाँ पर पहुँच जाने के बाद हम अनेक प्रकार के लोगों से मिलेंगे, कुछ लोग संक्रमित होंगे या कुछ लोग नहीं संक्रमित होंगे। वहाँ पर जब हम लोगों से मिलेंगे, उस तरह मान लीजिए अगर हम संक्रमित लोगों से मिलिए और बाई चांस हम पेपर दे के कम्प्लीटली आ भी गए, उसके लौट आने के बाद हम अपने परिवार वालों से मिलेंगे, समाज से मिलेंगे, आने जाने में मिलेंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम संक्रमित हुए, हमारी फैमिली संक्रमित हुई, और हमारे जो समाज में हम लोगों से मिले वो लोग संक्रमित हुए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे सरकार से इस बात का सवाल है, इसलिए मैं मांग करता हूँ, जब आप सबको प्रमोट कर रहे हैं, तो BMS मेडिकल फील्ड, अन्य सभी कोर्सेज को भी प्रमोट किया जाए। जैसे कि कोरोना वायरस, जो कि किसी से भेदभाव नहीं रखता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने आज भेदभाव किया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर को प्रमोट किया है, और फाइनल ईयर के छात्रों को और मेडिकल के छात्रों को प्रमोट नहीं किया है। अब ये भेदभाव सरकार का है, लेकिन कोरोना वायरस ये भेदभाव नहीं रखता है, और इससे कोरोना वायरस से मेडिकल छात्र भी संक्रमित होंगे और फाइनल ईयर के छात्र भी संक्रमित होंगे,
और साथ ही साथ अगर हम संक्रमित होंगे तो हमसे और लोग संक्रमित होंगे, और लोग संक्रमित होंगे हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिलीज़ और हमारे कहते समाज।